do it now! अगर आप साइ-फाई फैंटेसी लवर हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में ना उन्हीं मूवीज को कवर किया है जिसको हमने पिछले वीडियो में मिस कर दिया था। ये हमारे साइ-फाई फैंटेसी का दूसरा पार्ट है। अगर आप इसकी और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। नूरहाई पेदी द डार्केस्ट माइंड जो आई थी 2018 में, जिसमें आपको साइफाई के साथ एक्शन भी देखने को मिलेगा। ये मूवी मैंने बहुत पहले देखा था जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर सुपर पावर होती है, जो चार कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ये चारों कैटेगरी में अलग अलग तरह की पावर होती है। कुछ लोग होते हैं जो इन्हें पकड़ना चाहते हैं। अब कैसे ये लोग अपने सुपर पावर का यूज़ करके उनसे बचते हैं, ये जानने के लिए आपको 1 घंटे 43 मिनट कुर्बान करने होंगे। नंबर 4 पे आते हैं जर्नी टू द मिस्टीरियस आयरन जो आई थी 2012 में, जो एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस 1 घंटे 34 मिनट की मूवी में हम देखेंगे एक ऐसे लड़के को जिसके पिता मर गए होते हैं, जो अपने स्टेप डैड के साथ रहता है, और एक दिन उसके ग्रैंडफादर उसे एक कोडेड मैसेज भेजते हैं जो एक मिस्ट्री आइलैंड पर होते हैं। फिर वो निकल पड़ते हैं उस अनोखी दुनिया की ओर। ये एक अच्छी मूवी है जिसमें आपको WWE के फाइटर रॉक भी नज़र आएंगे। अगर हम इसके बजट की बात करें तो इसका बजट था $8 करोड़, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $33.5 करोड़। नंबर 3 पे आती है जैक द जायंट स्लेयर। ये मूवी आई थी 2013 में, जो एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.2 की। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक पिता को जो अपने बच्चे को एक जायंट की कहानी सुनाता है कि कैसे कई साल पहले उसने इंसानों पर हमला किया था और कैसे राजा ने उन्हें वापस भेज दिया था। मूवी में कहानी है जैक की, जो जाता है महारानी को बचाने के लिए, जिसका सामना होता है एक जायंट से। अब आखिर क्या है मूवी की असल कहानी, वो आप हमें मूवी देखकर बताइए। नंबर 2 पे आते हैं वारक्राफ्ट जो आई थी 2016 में, जो एक फैंटेसी एक्शन मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.8 की। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मूवी एक ऑनलाइन गेम पर बेस्ड है जिसमें आपको मैजिक देखने को मिलेगा। मूवी में कहानी है ऑक्स और इंसानों की, जिसमें ऑक्स बुरी शक्तियों की मदद से एक मैजिक पोर्टल बनाते हैं जिससे वो इंसानों की दुनिया में आकर उन्हें ख़त्म कर सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ये इंसानों की जान के बदले उन्हें वो शक्तियाँ मिलती है जिससे वो जादुई पोर्टल खोल सके। मूवी में आपको ये देखना है कैसे एक राजा रक्षक के साथ मिलकर ऑक्स का सामना करता है। नंबर 1 पे आती है हैंकॉक जो आई थी 2008 में, जो एक एक्शन फैंटेसी मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग है 6.4 की। 1 घंटे 42 मिनट की मूवी में हम देखेंगे एक ऐसे हीरो को जिसे ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं उसके कारनामे की वजह से, जो अच्छा करना चाहता है लेकिन सब गलत हो जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं दो ऐसे जोड़े को जो एक दूसरे के पास आने पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्या प्यार लोगों को कमज़ोर बनाता है, हाँ या नहीं, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों से जो ऐसी मूवी देखना पसंद करते हैं। सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी मेहनत जरा सी भी पसंद आई हो। वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।